आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को टीकमगढ़ लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार ने छतरपुर पहुंचकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक चतुर्वेदी के निवास खेल ग्राम पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, ब्लॉक, मंडल और NSUI के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव में कांग्रेस की जीत का संकल्प दिलाया। बैठक में पंकज अहिरवार ने कहा कि पार्टी के एक एक सिपाही को समाज के अंतिम छोर तक जाकर लोगों को केंद्र सरकार और देश भर में की जा रही तानाशाही और अत्याचार की जानकारी देकर इससे मुक्त होने का उपाय बताना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकते हुए उन्हें संकल्प दिलाया कि इस चुनाव में मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मेरे ख्याल से भविष्यवाणी संसार में कोई नहीं कर सकता है। ये भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? जिसको कह देते हैं कि ये जीतेगा तो उसको जिता रहे हैं, जिसको कहते हैं 400 पार, आप कैसे मान सकते हैं कि कोई पहले से अगर भविष्यवाणी कर रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है क्या? मेरे अनुसार तो ऐसा नहीं है। निश्चित ही कांग्रेस की देश में सरकार बनेगी और जो उन्होंने इन 10 वर्षों में किया है पब्लिक के बीच में है, जनता के बीच में है, जनता में बहुत ही आक्रोश है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। राहुल जी ने देश की यात्रा करके और जो माहौल पैदा किया है युवा साथियों में बहुत ही उत्साह है और निश्चित ही कांग्रेस विजय होगी, इस लोकसभा क्षेत्र से भी विजय होगी और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जो भाजपा में शामिल हुए, इसका कुछ थोड़ा बड़ा सा दिखेगा, इसको कैसे मनाएंगे लोगों को, कैसे मनाएंगे? देखिए, जाने आने का दौर चलता रहता है। हमारे पास भी कई नेता आ रहे हैं और विधानसभा में भी आए हैं और अभी भी आ रहे हैं, हमारे कल के मंच पर भी कई नेता आएंगे, तो ये दौर चलता रहता है। जिसकी निष्ठा जहाँ होती है, जो सच्चा कांग्रेसी है वो कांग्रेस में रहेगा, जो अधूरा कांग्रेसी था वो चला गया, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कार्यकर्ता नेता जाता है, कार्यकर्ता नहीं जाता है, कार्यकर्ता अपने मनोबल के साथ संगठन में है, वो काम कर रहा है। बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष महाप्रसाद पटेल ने कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों में जा रहे कांग्रेसी नेताओं के लिए कहा कि जो लोग आज कांग्रेस को कमजोर समझकर हमारा साथ छोड़ रहे हैं वे किसी भीतरघाती से कम नहीं है। पंकज अहिरवार जी, उनके नेतृत्व में पहली बैठक जिला छतरपुर की विधानसभा छतरपुर में रखी गई और अग्रिम जो हमारा चुनाव है उसकी रणनीति के संबंध में समस्त कार्यकर्ता, हमारी विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष, सम्मानीय सभी मंडलम अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सम्मानीय सभी बूथ लेवल के अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष, सम्मानीय सभी वरिष्ठ जन इस कार्यक्रम में पधारे थे। सभी को इस कार्यक्रम में पधारने के लिए होली के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हमारी रणनीति भाजपा के खिलाफ जो हमारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है इस देश में, इसमें कोई दोराय नहीं और न कभी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा और हमारे देश में न कहीं पर मोदी लहर है और न कहीं कुछ है और इस बार सरकार बनना तय है। छतरपुर के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आलोक चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि इस चुनाव में हमें कड़ी मेहनत कर पार्टी के प्रत्याशी पंकज अहिरवार को भारी मतों से जीत दिलानी है, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है, अन्यथा आगे भी हमें भाजपा के अत्याचार को सहना पड़ेगा। बैठक में कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अनीस खान, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, अशोक मिश्रा, सियाराम रावत सहित महिला कांग्रेस की मातृशक्ति, सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल ने बताया कि 3 अप्रैल बुधवार को टीकमगढ़ के प्रत्याशी पंकज अहिरवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा मौजूद रहेंगे।